डिस्कशन क्या चल रही थी, हमारी डिस्कशन चल रही थी बेसिकली फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और हम फ्रांस की शॉर्ट हिस्ट्री देख रहे थे कि कैसे 10वीं सदी में फ्रांस बना और फिर कैसे डिफरेंट लोग यहाँ पे आए, और हमने देखा कि 17वीं सेंचुरी के अंदर लुई आया, उसकी एब्सोल्यूट रूल था, तो उसके खिलाफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में। हमने डिटेल से उसको डिस्कस किया था, लुई को भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, और फिर जो है वहाँ पे रिपब्लिकन हुकूमत बन गई। उसी रिपब्लिकन हुकूमत को दोबारा 18वीं सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्ट ने आके ख़त्म किया, और उसने पूरे यूरोप के साथ जंगें शुरू कर दी। फिर नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई, ठीक है, और फिर जो है इसके बाद दोबारा रिपब्लिक की तरफ आया, जो था कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हो रही थी, इस सारी चीजों के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज थी, ठीक है, देयर वाज एन इम्पोर्टेंट थिंग एंड दैट वाज के जो फ्रांस था वो स्लोली एक नेशन स्टेट की तरफ जा रहा था, ठीक है, रिमेन एक्टिव इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 एंड 2। और हमने देखा वर्ल्ड वार 1 और 2 में फ्रांस कितना एक्टिव रहा था, आप लोगों ने देखा था, हमने हमने जब वर्ल्ड वार पढ़ी थी, तो इसमें हमने कॉलोनीज भी बनाई सारी चीजें, तो अभी भी फ्रांस आपको नजर आता है एक डेवलप्ड और एक न्यूक्लियर पावर स्टेट, ठीक है, आज भी। तो इसकी थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या सिचुएशन हुई है। तो फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, यानी 1789 से पहले, फ्रांस वाज रूल्ड बाय द एब्सोल्यूट मोनार्की। एज अ रिजल्ट पीपल रिवॉल्टेड, हमने देखा कि लुई हुकूमत कर रहा था तो उसके खिलाफ लोगों ने रिवॉल्ट किया और रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद देयर हैव बीन 5 रिपब्लिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, 5 रिपब्लिक्स यानी 5 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं फ्रांस में, ठीक है, 5, ये भी 5वां चल रहा है। फिर तो पाकिस्तान से जब ओरिजिनल मिसाल नहीं है इस चीज़ की, जहाँ हमारे यहाँ वो तीसरा चौथा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, फ्रांस में भी ऐसे रहा है। उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1792 में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के फौरन बाद, और 1804 तक रहा जब तक नेपोलियन नहीं आया था, ठीक है। फिर नेपोलियन ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना दिया था, वो रिपब्लिक नहीं था, वो मोनार्कियल था। तो जब नेपोलियन ख़त्म गया, हार गया, तो एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया 1848 to 1852 तक रहा, उसे सेकेंड रिपब्लिक कहते हैं। फिर थर्ड रिपब्लिक आया 1817 to 1914 तक, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 तक। उसके बाद एक फोर्थ रिपब्लिक आया जो रहा 1640 से 1868 तक, ठीक है। तो उसके बाद एक वहाँ का डिक्टेटर था, वो उनकी हुकूमत की, और उसने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आके, जिसे कहते हैं फिफ्थ रिपब्लिक, ठीक है, फिफ्थ रिपब्लिक। और ये फिफ्थ रिपब्लिक जो है वो आज तक चल रहा है, इसे बनाया था चार्ल्स डी गॉल ने, चार्ल्स डी गॉल, ठीक है, चार्ल्स डी गॉल, ही वाज अ डिक्टेटर, बेसिकली मिलिट्री डिक्टेटर था, जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया था। इसके अंदर भी आपको चीज़ें नजर आएंगी कि उसकी जो डिक्टेटर माइंड सेट था उस पावर के अंदर, वो भी आपको नजर आएगा, और आपको ये थोड़ा बहुत रिपब्लिक भी नजर आएगा, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं, जो आजकल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है फिफ्थ रिपब्लिक, ठीक है, वहाँ पे फ्रांस के अंदर। तो लेट्स कम ऑन इट सैलियंट फीचर, तकरीबन सैलियंट फीचर इसके मिलते जुलते हैं दूसरों के साथ, बट कुछ चीज़ें इसकी दूसरों से यूनिक जरूर हैं। तो पहली बात है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ रिपब्लिक कहा जाता है। इसके 92 आर्टिकल्स हैं और 16 इसके टाइटल्स हैं, ठीक है, और इसके 15 प्रिंटेड पेजेस के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन आता है सारा, क्या कहा जाता है, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन एंड देन इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ज़्यादा रिजिड है, जो कि थोड़ा है, बट इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फेडरेशन है तो रिजिड होगा। The French Constitution is rigid in the nature as it follows extraordinarily 2 methods for amendment. जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, नया लॉ बनाना है, या पहले को चेंज करना है, तो 2 तरीके हैं उसको चेंज करने के। पहला तरीका क्या है कि प्रेजिडेंट कैन पुट द अमेंडमेंट प्रपोजल टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेजिडेंट चाहेगा अगर भाई कोई अमेंडमेंट लानी है तो वो देगा, या प्रेजिडेंट की हुकूमत देगी। इफ द पार्लियामेंट पासिस इट बाय द 2/5 or 3/16 मेजॉरिटी, इट बिकम्स लॉ, ठीक है। अगर वो 2/5 के साथ पास कर लेती है पार्लियामेंट, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे अमेंडमेंट आ जाएगी प्रेजिडेंट के कहने के बाद। एक तरीका तो ये है सिंपल सा,
सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है इसका, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑन द प्रपोजल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन पुट अमेंडमेंट बिफोर द पार्लियामेंट आर डिसीज देमसेल्फ कैन इंट्रोड्यूस एनी बिल ऑफ द अमेंडमेंट। दूसरा तरीका ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सजेशन पे बिल देगा या पार्लियामेंट के मेंबर भी खुद भी बिल दे देते हैं, ठीक है। अच्छा बिल आ गया सारा, अमेंडमेंट हो प्रपोज हो गई, बट इफ द प्रपोज अमेंडमेंट इज अप्रूव्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी द प्रेसिडेंट कैन पुट इट बिफोर द पीपल एज रेफरेंडम। इफ द पीपल बाय मेजोरिटी अप्रूव द अमेंडमेंट इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझे, पहला तरीकेकार तो ये था कि 2/5 की मेजोरिटी जरूरी है। दूसरा तरीकेकार ये है कि प्रेसिडेंट ने बिल पास किया, 2/5 उसे मेजोरिटी नहीं मिली, उसे सिंपल मेजोरिटी मिली है। सिंपल मेजोरिटी कौन सी है? सिंपल मेजोरिटी है कि उसको 51% अगर वोट मिल गए, ठीक है, तो फिर वो 2/5 के इंतजार में नहीं रहेगा, फिर वो डायरेक्टली भेज देगा किसकी तरफ, रेफरेंडम की तरफ। वो डायरेक्टली अवाम को भेज देगा और अवाम डिसाइड करेगी बाहर निकल के कि वो बिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रेफरेंडम होगा वहाँ पे, तो फिर रेफरेंडम के बाद अमेंडमेंट हो जाएगी। दीज आर द टू मेथड्स टू अमेंड द बिल इन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पहला तो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होगा, 2/5 जरूरी है। अगर 2/5 नहीं है तो फिर आपको सिंपल मेजॉरिटी मिल गई, फिर आपने वही बिल भेज दिया प्रेसिडेंट ने, जो प्रेसिडेंट का पावर है लोगों के पास, और लोग डिसाइड करेंगे, मेजॉरिटी जो डिसाइड कर ले वही बिल बन जाता है। ये तरीकेकार है इसका, रेफरेंडम का, इसलिए ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, सबसे यूनिक फीचर है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम, ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी हिस्ट्री में जो मिक्सचर है, जिसे हम कहते हैं पार्शल पार्लियामेंट्री एंड पार्शल प्रेजिडेंशियल, ठीक है। इसमें हाफ प्रेजिडेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं और हाफ पार्लियामेंट्री हैं। तो कैसे हैं इसको जरा देखें। तो पहले समझेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, डिटेल से पढ़ा भी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये होता है कि एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट अवाम से डायरेक्ट इलेक्ट होता है और वो एग्जीक्यूटिव को, ये वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो पार्लियामेंट से नहीं आता है ना उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री क्या होता है वो भी उन्हें डिटेल से पढ़ा है। पार्लियामेंट्री ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है और वो लेजिस्लेचर से ही आता है, ठीक है, ये होता है। अभी हमने ब्रिटिश पढ़ा वो पार्लियामेंट्री था, हमने अमेरिकन पढ़ा वो प्रेसिडेंशियल था, हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं ये पार्शल है, ये मिक्सचर है, इसमें प्रेसिडेंशियल भी है इसमें पार्लियामेंट्री भी है, दोनों है, ठीक है। तो वो दोनों कैसे हैं इसको जरा देखना, ठीक है, दोनों आपको करेंगे नजर आएंगे। यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बी कंबाइंड द एलिमेंट्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कैसे देखें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द नेशनल असेंबली, द असेंबली में क्वेश्चन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन सी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, ठीक है। वो अभी मैं इसको सिंपल समझाऊंगा आपको जरा। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली अवाम से इलेक्ट होता है, ठीक है, किसी भी पार्टी से होता है, अवाम से इलेक्ट होता है, इलेक्ट होके आ गया, अवाम से डायरेक्टली इलेक्ट हुआ। अब ये प्रेसिडेंट का पावर होता है कि वो जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करता है और उस प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल हो, कहाँ से उसको मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल हो, नेशनल असेंबली, यानी जो लोअर हाउस है फ्रांस का उससे उसको मेजॉरिटी हासिल हो, तो फिर ही वो अपना प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करता है, खुद ही करता है, मतलब उसको असेंबली की एसेंट जरूर हो, मेजॉरिटी उसके साथ हो। तो इस तरीके से उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर को मुकर्रर कर दिया और प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट के कहने पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल भी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर्स हैं और जो है वो प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, ठीक है। तो इसलिए से जो है मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट और इसका। अब भी आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगी, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मुकर्रर करता है नेशनल असेंबली के सामने से, द असेंबली मे क्वेश्चन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बाई मोशन ऑफ सेंश्योर, मोशन ऑफ सेंश्योर यानी कि
असेंबली के पास ये पावर होता है, नेशनल असेंबली के पास, से वो इसको खत्म कर सकती है। प्रेसिडेंट को खत्म नहीं कर सकती, उतार नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट को मोशन ऑफ सेंश्योर से, सेंश्योर मोशन क्या है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर नेशनल असेंबली कह रही है नहीं गलत है ये डिसीजन हम नहीं मानते, तो अगर मेजोरिटी ये कह दे तो वजीर आजम और कैबिनेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये उसके पास पावर है। बट उसको मुकर्रर कौन करता है, उसको मुकर्रर प्रेसिडेंट कर रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास भी पावर है, उसको रिस्पॉन्सिबल है, वो क्वेश्चन पूछती है और नहीं भी है, प्रेसिडेंट खुद नहीं भी है। ठीक है, अच्छा, व्हेन व्हेन द नेशनल असेंबली अडॉप्ट द मोशन ऑफ सेंश्योर और व्हेन इट डिस्प्रूव द प्रोग्राम और डिक्लेरेशन ऑफ जनरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर मस्ट सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट। यहीं से फिर क्या होता है, अगर उसको नेशनल असेंबली की लोअर हाउस की सपोर्ट हासिल नहीं है, अगर वो उसके खिलाफ सेंश्योर या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे देती है, तो फिर उसको इस्तीफा देना होगा। ये सपोज टू प्रेजिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन, वो इस्तीफा दे देगा। तो ये देखें, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म की खासियत है। ठीक है, इस तरीके से। ऑन द अदर हैंड इट इज द पावर ऑफ प्रेजिडेंट हु इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द पॉजिटिव द इम्पोर्टेंस लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। बट सातों साल अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, वो भी ऑल इन ऑल है। तो इसलिए ये मिक्स है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये जो है वो इस तरीके से। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आई होप आपको समझ आएगा, तो डिटेल से पढ़ते भी हम। ठीक है, अच्छा, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फ्रेंच रेगुलर, फ्रेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी टू हाउसेस हैं, फेडरेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यहाँ पे दो हाउसेस हैं, एक को कहा जाता है नेशनल असेंबली। ठीक है, उसके 5577 मेंबर हैं और जो 5 सालों के लिए डायरेक्टली इलेक्टेड है, जैसे हमारे यहाँ। दूसरी सेनेट है, उसका दूसरा हाउस जो अपर हाउस है। ठीक है, और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 283 है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी जैसे हमारे होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से, और ये 9 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये 9 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और साथ में इसके लिए जो इसके जो 1/3 हैं वो जो हैं रिटायर होते रहते हैं हर 3 सालों के बाद। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल से। द पार्लियामेंट इज नो लॉन्गर अ सुप्रीम बॉडी, इतने ज़्यादा पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास। इनके प्लेस के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट के अंडर रहती है तकरीबन। ठीक है, ये फिर ये पावर है, तो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, आपको जरा इतना पता हो कि जो बाई स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंसी, ये भी एक फीचर है इसका। प्रेजिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको कहा जाता है बोनापार्टी का रोल प्ले करता है ये स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंसी। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, the constitution provides for a strong president, he presides over the meetings of the council of ministers and signs decrees ordinances decided by the council, yani wo hukumat ki policies bhi khud banata hai. theek hai, sab kuch. he is the supreme commander of the armed forces, unka bhi bada hai. he presides over the higher official committee of the national defense, national defense security ka ye bada hai. he can dissolve the national assembly, और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। ही कैन अज्यूम स्पेशल पावर्स इन द इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आ जाए तो उसके पास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पावर है, और उसी इमरजेंसी पावर में ये असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंट कहा जाता है। फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट, तो फ्रेंच इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट, विच मीन्स इट हैज पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स, इट हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट। थ्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली, 3 जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली का लोअर हाउस करता है, 3 द
द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, और तीन जो है वो सेनेट का जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट है, ठीक है। ये बड़ी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इट्स मेन फंक्शन आर टू इंश्योर द रेगुलरिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इलेक्शन ये करवाती है, ऑल्सो सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दरमियान कोई तजाद आ जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल उसे रिजॉल्व करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल इन अदर सेंस जो है ये आप कहें कि ये सॉरी ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। किसका रोल प्ले करता है? सुप्रीम कोर्ट का रोल प्ले करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है। नौ मेंबर्स होते हैं, तीन प्रेसिडेंट, तीन स्पीकर नेशनल असेंबली और तीन सेनेट का प्रेसिडेंट का कौन करता है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हुज फंक्शन इज टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन द गवर्नमेंट बिल्स, ऑर्डिनेंसेस एंड डिक्रीज एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट्री बिल्स सबमिटेड टू इट। ये एक काउंसिल बनाई गई है जिसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है। ये पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी बनानी है, नए ऑर्डिनेंसेज लेने हैं, नई पॉलिसीज बनानी है, तो वो ये जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसका फंक्शन ये परफॉर्म है, ठीक है। ये जो यूनिक फीचर है इसका। देन रेफरेंडम, ये भी बड़ा यूनिक फीचर है इसका रेफरेंडम का, ठीक है। रेफरेंडम होता है वहाँ पे, यानी अनदर फीचर इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक कैन सबमिट सर्टेन इश्यूज टू द पीपल एट द रेफरेंडम, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रेसिडेंट कभी भी रेफरेंडम बुला सकता है अपनी मर्जी के साथ, उसकी मर्जी है। तो ये भी फीचर है, ये आज तक किसी और पार्टी में नहीं, किसी और मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे करता है, ठीक है। रेफरेंडम का मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, पहले हमने पढ़े टू पार्टी सिस्टम का, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम, पीपल हैव बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन पार्टी टू ज्वाइन इन सच एसोसिएशन ऑफ एज ओन चॉइस, जितनी बनाना चाहें आप बना सकते हैं पार्टी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है जैसे पाकिस्तान में इस तरीके से। एंड देन रिपब्लिकन, दिस इज रिपब्लिकन, क्यों? क्योंकि जो प्रेजिडेंट है वो डायरेक्टली अवाम से इलेक्ट होता है, वो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, इसलिए ये रिपब्लिकन है, ठीक है। तो ये उसके जो हैं चंद जो हैं वो फीचर्स है जो आपने पढ़े, आपको मेरे ख्याल में समझ आएंगे। बाकी तकरीबन सेम है, रेफरेंडम इसका सेपरेट है, मल्टी पार्टी सिस्टम इसका सेपरेट है, स्ट्रॉन्ग जो पार्शल जो पार्लियामेंट्री और पार्शल वो है वो थोड़ा सा उसका जो है डिफरेंट, ठीक है। बाकी तकरीबन मोरल पावर सेम ही है जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसकी लेजिस्लेचर को पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी लेजिस्लेचर क्या है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। जो फेडरेशन है यहाँ पे टू पार्टी टू बाई कैम्बर पार्लियामेंट हमने देखा। तो फ्रेंच पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ टू हाउसेस आर चैम्बर, दो की बनी हुई है। नंबर वन द लोअर एंड प्रिंसिपल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द असेंबली नेशनले या नेशनल असेंबली, डिफरेंट वर्ड नेशनल असेंबली कहा जाता है, ये ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। एंड द सेकेंड चैम्बर इज द सेनेट ऑफ द सेनेट, ठीक है। सेनेटा उसे कहते हैं, वो फ्रांस में और ये सेनेट है, ये होते हैं, ये इतना ताकतवर नहीं है, ये ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली आर कॉल्ड डिसीज, उनके मेंबर को डिसीज कहा जाता है, हु आर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज, जनरल इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो हर पाँच साल के बाद। जो सेनेटर्स होते हैं दे आर ज्वाइंट इलेक्टर्स, इनके जरिए इनको इलेक्ट किया जाता है, यानी इलेक्टर कॉलेज के जरिए, हु आर मोस्टली लोकल इलेक्टेड विद इन द 9 ईयर, ठीक है। उनका मुद्दा 9 ईयर होता है और वन थर्ड हाफ बेटा 3 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाती है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट है इसकी। तो अभी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं इसके लोअर हाउस के पावर एंड फंक्शन। नेशनल असेंबली क्या है, जैसे हमारी है बिल्कुल सेम है वैसे वहाँ पे। द नेशनल असेंबली इज कम्पोज ऑफ 567 मेंबर्स, जैसे डिप्टीज कहा जाता है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 5 साल के टर्म के लिए। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टू बैलेट सिस्टम। अभी टू बैलेट सिस्टम आपको याद आएगा, मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था और दूसरा टू बैलेट सिस्टम था जिसके अंदर सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। अगर उनमें से कोई भी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं जीतता है, यानी कोई भी अगर 51% वोट नहीं लेता, तो दूसरा राउंड होता है इलेक्शन का और उसमें सिर्फ दो कैंडिडेट आगे आते हैं जो मेजॉरिटी से जीत के आते हैं। फिर उनके दो के दरमियान इलेक्शन होता है, तो उनमें से जो एक मेजॉरिटी ले जाता है वही मेंबर बन जाता है। तो यहाँ प्रेजिडेंट का इलेक्शन भी ऐसे होता है और यहाँ पे
नेशनल असेंबली के इलेक्शन भी है इस बार, ठीक है, विच रिक्वायर्स दैट रन ऑफ टेक प्लेस इफ नो कैंडिडेट ऑब्टेन्ड द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑन द फर्स्ट बैलेट. मैंने बताया कि अगर फर्स्ट में एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर किया जाता है दूसरा बैलेट होता है. कैंडिडेट मस्ट है फ्रेंच सिटीजन होना चाहिए, वो मिनिमम एज जो उसकी होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए, ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर सेम है, ठीक है. तो इसके पावर्स एंड फंक्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, आसान है, ईजी है, ठीक है. द पावर टू मेक लॉज एक्सेसिबल बिल, ये बिल पास करती है. All bills other than a private bill or private member's bill must be presented by the Prime Minister. अगर कोई private member bill है वो सिर्फ Prime Minister करेगा, बाकी सारे कोई भी bill वहाँ से पेश कर सकता है. A bill may be presented as private bill provided it is not a money bill. That is bill related to taxation, the consolidated fund or any other fund problem. ठीक है, यहाँ पे और भी bill पेश किए जाते हैं, like public bill हो गया, money bill हो गया, वो भी यहाँ पे पेश किया जाता है. Every bill which is presented must be passed by the National Assembly for its becoming an act. ठीक है, तो जो भी बिल पास होना है वो नेशनल असेंबली से उसका पास होना लाजमी है. अगर नेशनल असेंबली जब तक उसे पास नहीं करेगी तो वो बिल कभी बन नहीं है, ठीक है. ओके देन, अच्छा आगे. अ बिल पास बाय द नेशनल असेंबली डज नॉट बिकम लॉ until submitted to and has received the assent of the president of the republic. Obviously, president republic jo hai uski assent zaruri hoti hai, jab wo karega phir hi wo bill banega, theek hai. President cannot withhold assent to bill specified in section 54 of the constitution. Abhi aisa bhi nahi hai ki president wo sign hi na kare, wo sign karega us bill ko, kaise. But president may withhold the assent to any other bill which case he would return it to the assembly. उसको विदहोल्ड करेगा, वो कहेगा नहीं मुझे मंजूर नहीं है, वापस कर देगा असेंबली को और कहेगा इसको रिकंसिडर करो 21 दिन के अंदर और फिर मुझे भेजो. प्रेसिडेंट कहेगा और फिर बीइंग सबमिटेड टू हिम फॉर द असेंबली फिर मुझे दोबारा भेजो, ठीक है, वापस कर देगा, कर सकता है. अपॉन द बिल बीइंग रिकंसिडर्ड एंड पास विद द और विदाउट अमेंडमेंट इट इज अगेन सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु इज बाउंड टू स्पेसिफाई सिग्निफाई द असेंबली. फिर क्या होता है जब दोबारा वापस भेजेगा वो बिल, अगर फिर भी वो पास हो जाता है असेंबली से दोबारा तो फिर प्रेसिडेंट उसे वापस नहीं कर सकता, फिर प्रेसिडेंट ने उसे साइन करना है. तो एक चांस होता है प्रेसिडेंट के पास वो वापस भेज दे और बिल को साइन न करे, ठीक है. ये इसके लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है. एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर बात की जाए तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके हैं यानी कि नेशनल असेंबली कैन ओवरथ्रो द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स बाय द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस या मोशन वी सेंश्योर. हमने पढ़ा क्योंकि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर से ही इलेक्ट करता है, ठीक है. तो जो नेशनल असेंबली है उसके पास ये पावर है, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसी कैबिनेट के खिलाफ तो वो किक ऑफ हो जाएगा, ठीक है. ये इसके पास पावर है. फॉर दिस रीजन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट स्पेशली फ्रॉम द डोमिनेंट पार्टी आर कोलिशन इन दी असेंबली. इसलिए ज़रूरी होता है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा वहीं से हो जो मेजॉरिटी पार्टी हो असेंबली में, क्योंकि उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है. इन केस ऑफ प्रेजिडेंट इन असेंबली फ्रॉम द अपोजिंग पार्टी दिस लीड्स टू द सिचुएशन नोन एज कोहिबिशन. ठीक है, कोहिबिशन के पोजिशन के अंदर फिर आ जाती है. अगर कोई प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी मेजॉरिटी पार्टी से नहीं है, मेजॉरिटी में दूसरी पार्टी है, तो मजबूरन उसे क्या करना होगा, उसे अलायंस करना होगा, कोलिशन बनानी होगी, जिसको हम कहते हैं कोहिबिशन. उसने कोहिबेट होकर रहना होगा दूसरों के साथ. मतलब वेन एवर द प्रेसिडेंट इज फ्रॉम डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी देन द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्टी एंड ही कोऑपरेट विद दैट पार्टी दैट इज कॉल्ड कोहिबिशन. उसे कोहिबिशन कहा जाता है. यानी कि प्रेसिडेंट के पास अपनी इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो वजीर आजम अपना रखे, तो अगर मेजॉरिटी से नहीं रखेगा तो वो निकाल देंगे सेंश्योर के जरिए. तो जब उसके पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो उसे मजबूरन कोलिशन बनानी पड़ती है दूसरी पोलिटिकल पार्टी के पास जाना पड़ता है और उनके साथ बना के रखनी पड़ती है. तो उसको कहते हैं कोहिबिशन, ताकि प्रेसिडेंट अपने पावर परफॉर्म कर सके, ठीक है.
ये उसका एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वहीं से होती है। फाइनेंशियल पावर, इट मीन्स द पावर टू मेक लॉज, इंक्लूड द पावर टू रेज रेवेन्यू एंड अथराइज एक्सपेंडिचर, उसके पास होता है। मनी बिल ऑनली बी प्रेजेंटेड देयर, मनी बिल सिर्फ नेशनल हाउस में जाता है। एनुअल बजट की स्पीच जो है वो भी यहीं पर होती है, जैसे आज पाकिस्तान में हुई है नेशनल असेंबली में। फाइनेंस मिनिस्टर भी इसी हाउस से वास्ता रखता है, क्योंकि तो वो जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर होता है, तो जो है वो किसी मिनिस्टर से होता है, कैबिनेट में से होती है। ठीक है, ये फाइनेंशियल पावर सारे इसके पास। ये तो थे पावर्स, आपने देखे जो पावर थे सेनेट के, नेशनल असेंबली के। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पावर थे इसके पास, पर सेनेट के पास इतने पावर नहीं है ज़्यादा। ठीक है, कहते हैं सेनेट इट रिप्रेजेंट द नेशनल टेरिटरीज, ये नेशनल टेरिटरीज को शो करती है, पैरिटी के बेसिस पे इसकी होती है। 321 सेंटर्स होते हैं अपर हाउस के। द सेनेटर्स आर इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट सफरेज, इनडायरेक्ट सफरेज होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, जैसे हमारे होते हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेनेटर इज 9 ईयर्स, 9 साल की है, बट 1/3 जो है वो हर 3 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। अ सेनेटर मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, 25 साल का होना लाजमी होता है। The president of the Senate is elected by the senators from among their members. ठीक है, और जो उसका प्रेजिडेंट होता है, उसका जो चेयरमैन होता है वो प्रेजिडेंट उसे कहते हैं, और वो सेनेट से ही होता है। जैसे हमारा साथी संग्राम है, वहाँ पे भी ऐसे ही है। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी। पावर ज़्यादा नहीं है सेनेट के पास। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर देखें तो इट कैन पास एनी बिल एक्सेप्ट मनी, मनी बिल ये नहीं ला सकती, बाकी सारे पास कर सकती। इट टेक्स पार्ट इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इट्स एक्शन इन असेंबली। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो इसकी जरूरी होती है उसके लिए। इट एक्शन नेसेसरी फॉर पासिंग एनी बिल, कोई भी बिल अगर पास होना है तो सेनेट लाजमी है। सेनेट मंजूर नहीं करेगी तो कोई बिल नहीं पास होता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, एंड इट कैन रिजेक्ट एनी बिल विद मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी करेगी तो रिजेक्ट करेगी, जो पास नहीं करेगी बिल, पास नहीं करेगी तो बिल बनेगा नहीं। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर हैं भी और नहीं भी। एग्जीक्यूटिव पावर वेरी लिमिटेड, कोई नहीं है, सारे गए बेचारे, कोई नहीं। फाइनेंशियल लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स हैं, ओनली कैन आस्क द क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकती है बस, ना इसमें बिल पेश होता है ना बजट। हाँ, बाकी जो बिल बजट पेश होता है उसके लिए इसकी मंजूरी लाजमी होती है। ठीक है, अदरवाइज ये सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ सकती है, बाकी फाइनेंशियल इसके पास कोई पावर नहीं। तो ये था पार्लियामेंट, आपने देखा कि नेशनल असेंबली और सेनेट के पावर्स, ज़्यादा पावर्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इस वजह से। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है फ्रांस की वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। टॉप के प्रेसिडेंट होता है, वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की मर्जी से अपनी कैबिनेट बनाती है। ठीक है, अपनी कैबिनेट बनाती है, इसे हम कहते हैं ये इस तरीके से सेमी प्रेजिडेंशियल। मीन फ्रांस इज अ सेमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इट बोथ अ प्रेजिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेजिडेंट भी है। ठीक है, द फ्रेंच एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट इन प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तीनों हिस्सों पर चलती है। यानी कि प्रेजिडेंट पहले सेलेक्ट होता है, वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, कहाँ से, नेशनल असेंबली से, और वही प्राइम मिनिस्टर जो है बाद में अपनी कैबिनेट इलेक्ट करता है, वो कहाँ से, नेशनल असेंबली। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से के साथ है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस वजह से इसे कहा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट का हिस्सा भी है और प्रेसिडेंट का भी है, दोनों साथ मिलकर चलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यानी कि प्रेसिडेंट भी पावरफुल है यहाँ पे और पार्लियामेंट भी है यहाँ पे, यानी प्राइम मिनिस्टर भी। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा गवर्नमेंट का सेटअप है, अगर आप देखें यूनाइटेड किंगडम का, सॉरी फ्रांस का, इसको थोड़ा सा समझें आप। ठीक है, देखें प्रेसिडेंट टॉप पे होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट टॉप पे होता है। ठीक है, अच्छा ओके, जो सिटीजन्स हैं यानी वोटर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, आ गया, फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है,
और प्राइम मिनिस्टर क्या अपॉइंट करता है, वो मिनिस्टर अपॉइंट करता है। तो ये गवर्नमेंट बना के दी इसमें, यानी गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और उसकी कैबिनेट। बनाता कौन है इसे? इसे बनाता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? इसको करते हैं सिटीजन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ये ऐसे स्ट्रक्चर चलता है इसका। अच्छा चेक, आ जाते हैं हम पार्लियामेंट के ऊपर। यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली है और सेनेट है। नेशनल असेंबली को डायरेक्ट अवाम वोट करते हैं, और जो सेनेट है वो इनडायरेक्ट होती है, उसको डिप्टी जनरल काउंसलर और ये मिलके इलेक्टोरल कॉलेज उसे करता है, डायरेक्टली नहीं होते। ठीक है, ये सेनेट होती है, ये पार्लियामेंट है। अभी पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट जो होती है वो मोशन ऑफ सेंश्योर यूज कर सकती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, और सेम तरीके से ये क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस भी दे सकती है वहाँ पे, कि मेरे सवालों का जवाब दो। तो ये करती है सारे काम गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब साथ। बाकी इसका काम जो है सेनेट का, वो लॉ बनाना है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ये लोग। आगे ठीक है, यहाँ आयोग समझ आ रही होगी। फिर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को क्या करता है? 3 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट देता है, 3 मेंबर जो है वो सेनेट देती है, और 3 मेंबर जो है वो कौन देता है? नेशनल असेंबली, जिस तरीके से 9 मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम है वो काम करता है, यानी कि प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड पीपल। ठीक है, अवाम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को करता है इलेक्ट, ऐसे होता है। और फिर पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली नेशनल असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, और सेनेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्कआउट करता है सारा सिस्टम अमेरिका फ्रेंच के अंदर। ठीक है, अभी आते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, फ्रेंच प्रेसिडेंट। ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ऑफिशियली द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस रिपब्लिक, इसे कहा जाता है, इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, और फ्रांस इन द फिफ्थ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट एडोरियन मेंबर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको ये खुद अपॉइंट करता है। कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मस्ट बी अ फ्रेंच सिटीजन होना चाहिए, 18 साल की उसकी एज होनी चाहिए, वो वोट के लिए क्वालिफाइड हो। अगर वो क्रिमिनल कन्वेंशन के अंदर शामिल है या कुछ मतलब है, तो फिर वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, इनसे बनना लाजमी होता है, ये शर्त जरूरी है। ठीक है, अच्छा इलेक्शंस के ऊपर जरा आए, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी इलेक्शंस होती हैं, बड़ी सिंपल सी होती हैं। ठीक है, देखें, द पीपल ऑफ द फ्रांस इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर, 5 सालों के बाद जो है वो अपॉइंट करते हैं जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और प्रेसिडेंट को जो लोग हर 5 सालों के बाद, कैसे? हु कैन वोट? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सफरेज, डायरेक्टली सफरेज से होता है, यानी यूनिवर्सल, यानी 18 साल के जो भी लोग होते हैं वो उसे वोट करते हैं, और ये डायरेक्ट होता है, यानी वोट डायरेक्ट उसको जाते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर वॉट आर द मेन स्टेजेस इन द इलेक्शन? सेलेक्ट दो स्टेजेस होते हैं, पहला 7 वीक्स बिफोर द सेकेंड राउंड, यानी कि पहला राउंड जो होता है उसे 7 हफ्ते पहले, तो द 1 मार्च से द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट इज पब्लिक। हर पार्टी जो है वो अपना एक लिस्ट पेश करती है कि भाई मेरी पार्टी से ये कैंडिडेट होगा, मेरी पार्टी से ये, मेरी पार्टी से। ठीक है, फिर तो ऑफिशियली ये कैंडिडेट कंटेनर्स मस्ट अमंग दी अदर थिंग्स बी नॉमिनेटेड बाय दी लीव 500 रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं पार्टी के, 500 लोग किसी एक को जरूर वो करें कि भाई ये हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैंडिडेट पहले नॉमिनेट हो जाता है। ठीक है, हर पार्टी करते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि 4 वीक्स बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल, 4 हफ्ते पहले, पहले 7 फिर 4 हफ्ते पहले ऑफिशियल इलेक्टोरल कैंपेन स्टार्ट होती है। ठीक है, कैंपेन स्टार्ट होगी, हर कोई करना शुरू कर देता है। देयर इज एन अपर लिमिट ऑन स्पेंडिंग व्हिच इज नॉमिनेटेड बाय द कमेटी। वंस द ऑफिशियल कैंपेन हैज बिगन
each candidate must have exactly the same amount of airtime on the TV. बड़ी शदीद होती है उनकी कैंपेन चलती है टीवी के ऊपर एयर टाइम हर जगह ठीक है. फिर 2 weeks बिफोर द सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड से 2 weeks पहले 23 अप्रैल को फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है. अभी पहला राउंड होता है यानी इसमें क्या होता है कि फ्रेंच पीपल गो टू द पोल्स. इफ नो कैंडिडेट विंस ओवर 15% ऑफ द वोट अ सेकेंड राउंड इज ऑर्गेनाइज. यानी पहला राउंड हो गया उसमें कोई 8 से 10 15 कैंडिडेट खड़े होते हैं. अभी 15 कैंडिडेट में से कोई भी 50% वोट नहीं ले पाता है. यानी मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ आवाम है तो उसमें से 15 कैंडिडेट खड़े हैं तो कोई भी एक कैंडिडेट अगर 50% यानी 50 लाख वोट ले जाए तो प्रेसिडेंट बन जाएगा. बट कोई लेता नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट होता है. कोई 25-30 इस सेक्शन पर खड़े होते हैं तो फर्स्ट राउंड यहीं पर कम्प्लीट हो जाता है. फिर होता है सेकेंड राउंड 7 मई को ठीक है. सेकेंड राउंड इसके अंदर क्या होता है कि ओनली 2 कैंडिडेट्स विद द मोस्ट वोट्स क्वालिफाई द सेकेंड राउंड. द कैंडिडेट विद द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स कास्ट इज इलेक्टेड. ब्लैंक आर स्पेल वर्ड आर नॉट टेकन. फिर दूसरा इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ जो पहले राउंड में जो 2 ज्यादा से ज्यादा वोट लेके आते हैं कैंडिडेट फिर उनको उनका दोबारा इलेक्शन होता है दूसरे राउंड में. अभी उन दोनों के दरमियान मुकाबला होता है सिर्फ ठीक है. इसके अंदर क्या होता है सिंपली किसी एक को तो मेजॉरिटी मिल जाती है ना 50% की 2 में से. जिसको भी मिलती है वो फिर क्या बन जाता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है ठीक है. देन प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली काउंसिल 10 दिनों के अंदर और वो 5 सालों के लिए दोबारा प्रेसिडेंट बन जाता है. इसलिए यहाँ पे क्या सिस्टम शुरू होता है 2 बैलेट सिस्टम होता है. सेकेंड बैलेट सिस्टम यानी पहले राउंड होता है, पहले राउंड में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं कोई 50% नहीं ले पाता वोट. फिर दूसरा राउंड होता है तो दूसरे राउंड में क्या होता है कि 2 वो कैंडिडेट आगे आते हैं जो ज़्यादा वोट लेके आए होते हैं तो फिर उन्हीं 2 के दरमियान दोबारा इलेक्शन होते हैं और उनमें से जो सिंपल मेजॉरिटी जीत जाता है यानी जो भी 50% वोट ले जाएगा तो 50% वोट लेने के बाद क्या होगा कि वो प्रेसिडेंट बन जाए 5 सालों के लिए. इस तरीके से फ्रांस के अंदर इलेक्शन होते हैं ठीक है. ये बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें ज़रा जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे कि राउंड 1 होता है यानी इतने सारे वोट होते हैं टर्न आउट 59 रहा फर्स्ट राउंड. ये पार्टी मेंबर थे डिफरेंट थे उन्होंने डिफरेंट वोट लिए. ज़्यादा वोट एक इसने लिया मैक्रोन ने और दूसरे के लिए थे ली पेन ने. तो दूसरा इलेक्शन हुआ इन दोनों के दरमियान और इनमें से एक ने मैक्रोन ने मेजॉरिटी से जीता तो वो बन गया प्रेसिडेंट. इस तरीके से प्रेसिडेंट बन गया. अभी हम उसके पावर्स एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे. मैं आपको लिंक भेजता हूँ. इसके इलेक्शन कंप्लीट हो गए तो नाउ आई एम सेंडिंग यू लिंक और पावर्स एंड फंक्शन.